नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ क्षमा प्रवीण। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज एक नए साल की शुरुआत है, तो आप सभी को मेरी और आर भारत की पूरी टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद यही है कि ये साल बहुत ही बेहतर हो, आप लोगों के आप सभी के जीवन में खुशियों भरा ये साल हो। हमारी दुआ यही है कि ये साल सभी के लिए बेहद खास हो, कोरोना का हमारे देश और दुनिया से खात्मा हो जाए। लेकिन जैसा कि पता है कि कोरोना के नए वेरिएंट ने देश और दुनिया में दस्तक दे दी है, जिसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम सब सावधानियां बरतें, सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। हमारा यानी आर भारत टीवी चैनल की तरफ से मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगी कि नए साल का सेलिब्रेशन आप करें, लेकिन अपने घर अपने परिवार के साथ ही करें, ताकि आप भी सुरक्षित रह सकें और दूसरा भी सुरक्षित रहे। धन्यवाद। नव निर्वाचित नवादा जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के निर्वाचन संपन्न होने के बाद अध्यक्ष पुष्पा चौधरी और उपाध्यक्ष निशा चौधरी का जिला राजद कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। वहां उपस्थित नवादा के राजद विधायिका श्रीमती विभा देवी और अन्य पार्टी के नेताओं पार्टी समर्थकों ने दोनों को फूल माला से स्वागत किया और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। और निशा जी, आप उपाध्यक्ष बनी हैं, बधाई हो आपको। क्या संदेश है मैडम? मैं जनताओं को धन्यवाद करती हूँ कि इस लायक वो समझे हैं हमें, कि मैं भाग्यशाली हूँ कि उनकी मैं सेवा करने के लिए दोबारा यहाँ आई हूँ। धन्यवाद। निशा जी, आपका क्या कहना है? पहली बार आप निर्वाचित हुए नारदीगंज से, फिर आप उपाध्यक्ष पद पर काबिज हो गई हैं, क्या कहना है, क्या संदेश है? जनता का सेवा करेंगे, जनता मुझे इस लायक चुनी है, सेवा करेंगे। चलिए, बधाई हो निशा जी आपको।